नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं मंदिरों में होने वाले दान की। जैसा कि हम सभी जानते हैं और देखते भी हैं कि मंदिरों में करोड़ों का दान जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है? उसमें से आधे से ज्यादा पैसा पंडित अपने पास रखते हैं अपने कामों के लिए, और साथ में उसमें से कुछ दिखावा किया जाता है मंदिरों और भव्य चीजों पर दान देकर। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ पंडितों की जेब में जाता है और उससे कोई भी निर्माण नहीं होता। साथ ही उससे कोई भी सर्विस टैक्स सरकार को भी नहीं जाता है। सरकार भी अच्छे से जानती है कि मंदिरों में जाने वाला दान सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी के रूप में ही दिखाया जाता है, और वो एक ब्लैक मनी का सबसे बड़ा स्थान होता है। अगर नेताओं को देखा जाए तो वो भी अपनी जगहों में मंदिर खोल के उसमें हिस्सेदारी करते हैं। उसी पैसे से वे इलेक्शन और कई दबकों में अपना कार्यकाल बनाते हैं। लेकिन अगर यही पैसा मंदिरों की जगह शिक्षा के मंदिरों में दिया जाएगा तो बच्चों की फीस जो बढ़ती है उसमें काफी राहत हो जाएगी। बच्चों को जो खाना पैसों से खरीदना पड़ता है वो उन्हें मुफ्त में भी मिल सकता है। इसी के साथ जनेऊ को लेकर हम बात करते हैं कि जनेऊ की बढ़ी हुई फीस का सबसे बड़ा कारण उसके चलते घाटे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने उसको ना देखते हुए बच्चों पे हमले करवाए हैं। तथा उन्होंने ये भी बताया है कि जनेऊ की फीस बढ़ी है उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं विद्यालय का ही हाथ है। साथ अगर जो दान मंदिरों में जाता है वही दान अगर हम इस तरह के कॉलेजों और स्कूलों में करेंगे तो वहाँ के बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, और जो सिचुएशन जो जिस माहौल से वो निकल कर आए हैं उन्हें वहाँ से निकलने में और आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा योगदान मिलेगा। हम आज अनाथालय में दान दे तो देते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं रहता कि वो दान सच में वहाँ पे यूज में आया है या नहीं। वो बस हमने अपने श्रद्धा से दे देते हैं, लेकिन वो दान भी इन्हीं मंदिरों में एज अ कमेटी के रूप में चला जाता है। मंदिरों में जाने वाले पैसे का सबसे बड़ा हिसाब उनके पुजारी रखते हैं। अगर पुजारियों के बैंक बैलेंस देखे जाएं तो एक आम आदमी की सैलरी से कई गुना ज्यादा निकल कर आएंगे। तो सरकार से दरख्वास्त यही रहेगी कि मंदिरों की जगह अगर स्कूल के मंदिरों में पैसा दिया जाएगा, वहां डोनेट किया जाएगा, तो वहां के स्टूडेंट और वहां के जो किसान परिवार के जो छात्र जो बच्चे हैं वो आगे बढ़कर निकल कर आएंगे। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है, शिक्षा से ज्यादा मंदिर को सहारा देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।